मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। यहाँ सुबह का टाइम है और मैं भाभी के लिए थोड़े से सूप की तैयारी कर रही हूँ। तो जो मेरे पास सब्जियां हैं मैं वैसा ही डाल के, डॉक्टर ने बोला है कि सारी सब्जियों को बॉयल करके उसके बाद उसमें थोड़ा सा जीरा का तड़का लगा के आपको देना है इनको डेली। तो यहाँ पे हल्दी नमक मैं डाली हूँ। उसके बाद मेरे पास टमाटर, लौकी, निनवा जो भी है, सारी सब्जियों को मैंने, जो भी मेरे पास ग्रीन वेजिटेबल था मैंने उसको डाल के और थोड़े से पानी के साथ इस पे चढ़ा रखा है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ हलवा, थोड़ा सा आटे का हलवा। तो मैंने उसमें डाला है शुद्ध घी थोड़ी सी, और उसके बाद मैं इसमें आटे, क्योंकि एक छोटी सी रस्म होती है जो कि आज हमें करनी है, तो वो मतलब हलवा खिला के किया जाता है। तो यहाँ पे मैं आटे की हलवा की तैयारी कर रही हूँ, और उधर नाश्ते के लिए पूड़ी भी मैं बच्चों के लिए बनाने जा रही हूँ। तो फिर यहाँ पे नहाना वहाना तो हो चुका था मेरा, नहा वहा के मैं आई हूँ, और इधर मैं हलवा के साथ साथ पूड़ी भी बना रही हूँ बच्चों के नाश्ते के लिए, क्योंकि जो हमारे यहाँ खाना बनाने के लिए आती हैं वो थोड़ी सी लेट आती हैं, तो उसके पहले मुझे जाना होता है वहां पे। तो मैंने सोचा कि चलो हलवा पूड़ी भी मैं थोड़ा सा लेते जाऊंगी सबके लिए, वहां पे जो भी मतलब हॉस्पिटल में है, जैसे कि भाभी की माँ या फिर एक जन और है तो उनके लिए। तो मैं यहाँ पे हलवा और पूड़ी बन चुका है मेरी, और रात की थोड़ी सी सब्जी थी मेरे पास, तो वो सब्जी बच्चों को पूड़ी के साथ मैं नाश्ता दे दूंगी। तो यहाँ पे देखिए हलवा बन के रेडी हो चुका है मेरा, तो चलिए आप लोग भी मुंह मीठा कर लीजिए हलवे से। उसके बाद यहाँ पे बारी आती है खाना ले जाने की भाभी की। तो जो भी मैंने बनाई थी यहाँ पे, दाल भी बनाया था मैंने, यहाँ पे सूप भी बनाया था, तो सारी चीजों को मैं मतलब एक ही साथ लेके जाती हूँ, क्योंकि भैया को भी टाइम नहीं मिलता है, वो चले जाते हैं उधर से ऑफिस, और जहां पे हम लोग अभी रहते हैं वहां से हॉस्पिटल काफी दूर है, करीब 1 घंटे लगते हैं। इस वजह से मैं पहले ही सारी चीजों को एक ही साथ लेके चली जाती हूँ, तो यहाँ पे सारे खाने को मैं पैक कर सकती हूँ। और डॉक्टर ने बोला है उनको कि सारी चीजें आप खा सकती हैं, बस थोड़ा सा ऑयली ना हो और मसाले कम हो, तो बस ये सब चीजें हैं जो भी। तो यहाँ पे एक दो सब्जियां मैं बनाई थी, तो वैसे क्या होता है ना कि सब्जियां मैं अगर लेके जाती हूँ, बाई चांस अगर भैया भी आ जाते हैं बीच में, तो उनको भी मैं खाना दे देती हूँ वहीं पे, क्योंकि घर तो आप लोगों को मैंने बताया मेरे घर अभी से जल्दी सारा हॉस्पिटल काम थोड़ी निपटा सी। लिया, हालांकि अब 10 बज रहे हैं और अभी आई हैं जस्ट खाना बनाने के लिए। मैंने नाश्ता वास्ता बना दिया, सबको दे दिया, पैक कर लिया जो भी है, और बस कुर्ती डाली हूँ और निकलने के लिए रेडी हूँ। बच्चे अभी नाश्ता नहीं किए हैं और सर भी आ गए हैं, एक साथ इतनी सारी जल्दी जल्दी बातें कर रही हूँ, क्योंकि पता है बाहर वेट कर रहे हैं ये। और मैं सारा चीज पैकिंग हो चुकी है मेरी भाभी के लिए, जो भी ले जाना था वो सब चीजें, और मुझे भी बस निकलना है। तो चलिए आप सब मेरे साथ रहिएगा, और मैं फिर से चलूंगी छोटे वाले बाबू के पास हॉस्पिटल में। तो चलिए आप सब भी, ज्यादा बात करूंगी तो फिर यहाँ पे टेंशन हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी हूँ पहले ही। तो चलिए, तो ये व्यू बलिया शहर की है थोड़ी सी, मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों को भी घुमा देती हूँ। तो बस देख लीजिए लॉकडाउन का नजारा कितना अच्छा है। वैसे तो लॉकडाउन खुल ही चुका है, लेकिन मैं फिर पहुंच चुकी हूँ हॉस्पिटल, तो मास्क देख ही सकते हो आप, बस ये मेरा फेवरेट मास्क है, मैं ज्यादातर यही लगाती हूँ। और इनको देखिए कितनी चैन की नींद सो रहे हैं ये। इधर देखो, सब लोग को देखो, सबको देखो। अभी टहलने गई है बाहर, और ये दुपट्टा आप लोगों ने लगातार इस ब्लॉग में देखोगे, क्योंकि ये पट्टा कॉटन का है और गर्मी भी है थोड़ा सा, तो मैं इसको लेकर ही आती हूँ, कुछ भी पसीने पोंछने हो या फिर जो भी कह सकते हैं इसको। और यहाँ पे इतनी चैन के नहीं सो रहा है भाभी, बोल रही रात को भी सोता है, रोकर क्यों भी सोता है, बोले इतनी अच्छी बात क्या हो सकती है, दोनों टाइम ये सोता है। और भाभी भी अभी ठीक ही है, मैं जब से आई हूँ तब से ही सोया हुआ है, आखिरकार ये उठ नहीं रहा है, लेकिन मुझे बहुत अजीब सी लग रही है। और मैं इसके लिए दूध बना के लाई हूँ, बस अभी इसको पिला देती हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों इतना सो रहा है ये, पता नहीं सोए सोए भूख भी लग सकती है, तो इस वजह से मैंने सोचा चलो इसको उठा के दूध पिला देती हूँ, लेकिन ये उठने का नाम नहीं ले रहा है। और भाभी लेटी हुई है यहाँ पे, खाना वाना हो गया इनका, बस थोड़ा देर ये भी रेस्ट करेगी, और मेरा तो खुले दिन रेस्ट ही है यहाँ पे। और यहाँ पे लगाई है मैंने अपने लिए बेड, क्योंकि भैया ऑफिस चले गए हैं, और तो यहाँ पे मैं बैठ के अपने मोबाइल का आप लोगों को प्यारे प्यारे कॉमेंट्स का रिप्लाई कर रही हूँ। तो चलिए पहले इनको दूध पिला देती हूँ, उसके बाद आप लोगों से बातें करती हूँ, क्योंकि ये तो उठने वाले हैं नहीं, है ना बाबू। और पता है मैं कितनी बार ना इसका हाथ सीधा किया, और ये ऐसे करके सोता रहा दोनों हाथ।
हॉस्पिटल में बैठ के कोई करे तो क्या करे, मुझे समझ में नहीं आ रहा, अकेले हो। बस बापू को भी भाभी के पास गया है, क्योंकि जब से हुआ है तब से भाभी के पास वो नहीं लेटा है। आज पहली बार मैंने लेटा है उनके पास, और दोनों माँ बेटे एकदम सुकून की नींद सो रहे हैं और मुझे लगी है भूख। यहाँ पे मैं बाय बाय करके सबको आ चुकी हूँ, और आज मैं थोड़ी जल्दी ही घर पे आ गई थी क्योंकि बच्चे परेशान थे। तो यहाँ पे गाड़ी में गाना बज रहा है, इस वजह से मैं आप लोगों से बातें नहीं कर पाई हूँ। और ये शाम का मौसम है, आप देख सकते हैं कितना सुंदर अच्छा हो रखा है। और मैंने सोचा चलिए आप लोगों को फिर से एक बार घुमा देती हूँ आते समय और जाते घर समय। पे आ गई और अभी 7:45 हो रहे हैं, आज थोड़ी जल्दी आ गई हूँ क्योंकि इनको कहीं जाना था। तो फिर और मैं मतलब जहाँ भी भाभी अभी एडमिट है, सॉरी, वहां पे हमारे घर से काफी दूर पड़ जाता है, तो इस वजह से इन्होंने बोला कि तुमको पहले छोड़ देता हूँ घर पे, उसके बाद मैं जाने वाला हूँ। तो इस वजह से आज मैं जल्दी ही आ गई, वरना लेट ही हो जाता है मेरा तो। और आने के बाद नहाई वहाई, उसके बाद फ्रेश हो गई, और योग आज बहुत सारा काम किया है सच में। हंस रहा है देख के। एक दिन मैंने डांट लगाई थी इसे कि मैं नहीं रहती हूँ घर में, तो थोड़े से कुछ काम किया कर, तो उसके बाद से एकदम रेगुलर है। दरअसल क्या होता है ना, कपड़े उपड़े आने के बाद फोल्ड करो, एक तो बैठे बैठे तक इंसान मतलब उतना काम की वजह से नहीं थकता जितना कि बैठने से थक जाता है, मतलब ये चीज तो पक्का है। और सुबह में पता है मैं नाश्ते में पूड़ी ले गई थी, पूड़ी और हलवा, और वही मैंने दोपहर में दो पूड़ी खा ली थी, इस वजह से और उसके बाद बैठने से बहुत ज्यादा एसिडिटी जैसी हो रखी है। और चाय वाय तो पी थी, लेकिन एक कप कॉफी पीऊंगी और बच्चों को दूंगी दूध। खाना वाना तो बन गया है, खाने का टेंशन है नहीं कुछ भी, तो बस बच्चों को दूध दूंगी, उसके बाद माँ वो सब लोग कॉफी पी लिए, मतलब माँ कॉफी पी चुकी हैं, तो मैंने बोला कि चलिए बच्चों को दे देती हूँ दूध। तो चलिए कॉफी बन के मेरी रेडी हो चुकी है और मैं अब चलती हूँ रूम में, थोड़ी देर रेस्ट करूंगी। और देखिए मेरे आने पे दरवाजे खोले जा रहे हैं, है ना, और अच्छा लगता है कि घर में मतलब एंट्री करो और घर एकदम साफ सुथरा मिले, तो आज योग की वजह से संभव हुआ। थैंक यू, क्योंकि सारा काम निपटा के रख तुम भी की। हेलो तो कर दो एक बार, बच्चे रहते हैं घर में तो सच बात है, अगर बड़े हो जाए समझदार हो जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो चलिए मैं इस ब्लॉग को इससे ज्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी क्योंकि काफी थक चुकी हूँ और फिर सुबह से अब स्टार्ट करना है। तो चलिए फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।